नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से। आज हम डेड मोबाइल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पावर आईसी की टेस्टिंग के हमने चार फार्मूले देख लिए। अब अगला फार्मूला है, इसके बाद भी सेट ऑन नहीं हो रहा, तो हम डीसी पावर सप्लाई का सहारा लेंगे। डीसी पावर सप्लाई के द्वारा हमें एग्जैक्ट खराबी का पता लग जाएगा, वो क्या है देखिए। मार्केट में कई तरह की डीसी पावर सप्लाइयाँ आती हैं। मेरे पास तीन तरह की पावर सप्लाई हैं, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। आप तो एलसीडी एलईडी का काम भी करते हैं, तो एलईडी वाली पावर सप्लाई भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी पावर सप्लाई होती हैं। देखिए, एक डीसी पावर सप्लाई है ये मशीन सबसे सस्ती आती है और सबसे अच्छी होती है। इसमें डिस्प्ले पर दो हिस्से होते हैं, एक पर वोल्टेज लिखा होता है और दूसरे पर करंट। ये वोल्टेज वाला हिस्सा है, ये करंट वाला हिस्सा है। दूसरी पावर सप्लाई है ये, इसमें डिजिटल भी होता है और सुई भी रहती है, दोनों से इसमें इंडिकेशन होता है, तो ये मशीन भी यूज कर सकते हैं। और तीसरी पावर सप्लाई है ये सबसे अच्छी पावर सप्लाई है। इसको हम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और एलसीडी एलईडी में भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 एम्पियर की होती है। तो इनमें से आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा काम आने वाली और सबसे सस्ती और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली मशीन है ये। इस मशीन से हम मोबाइल की खराबी का एग्जैक्ट पता लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं आपको बताता हूँ। मित्रों, आज हमारे शहर में विद्युत सप्लाई ठप है, क्योंकि कल दिन और रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लगभग बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। तो लाइट कट है, रात से लाइट आई नहीं है। मेरा इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया है, तो मैं आपको बिना मशीन को ऑन करे ही वीडियो बना के दिखा रहा हूँ और उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। इस मशीन में दो हिस्से हैं, वोल्टेज और करंट। देखिए, किस्मत से लाइट भी आ गई है। तो अब इस मशीन में हम वोल्टेज सेट करेंगे, ये वोल्ट सेट करेंगे हम लगभग 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट हमने सेट कर लिए हैं, ये हो गए। अब वोल्टेज वाले हिस्से में हमने 4 वोल्ट सेट कर लिए और ये करंट वाले हिस्से में 0 0 0। तो अब इसमें से हम 2 पिन लेकर और मोबाइल की बैटरी कनेक्टर पर जोड़ेंगे, प्लस वाला हिस्सा प्लस पर और माइनस वाला हिस्सा माइनस पर। उसके बाद मोबाइल का ऑन ऑफ बटन दबाएंगे। ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते ही यहाँ हमें रीडिंग प्राप्त होगी, 1 आएगा या 2 आएंगे या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएंगे या 10 आएंगे या 20 आएंगे या 30 आएंगे। तो इन अंकों के आधार पर हमें खराबी का पता लग जाएगा। मान लीजिए किसी मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद हमने स्विचिंग की और इस पर एक रीडिंग आई, स्विचिंग करते ही एक रीडिंग आई, करंट वाले हिस्से में एक रीडिंग आई, यानी एक का लोड लिया उसने, 1 एम्पियर। तो 100% उस मोबाइल में सॉफ्टवेयर की ही परेशानी है। और अगर 2 आते हैं तो भी 100% सॉफ्टवेयर गया है। तो इससे हमें पता लगा कि 1 अंक और 2 अंक आने पर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है। अगर 3 अंक आते हैं, यहाँ स्विचिंग करते ही 3 आते हैं, तो 100% फ्लैश आईसी खराब है। 4 आते हैं तो 4 अंक आने पर सीपीयू ड्राई सोल्डेड है या सीपीयू के पॉइंटों के अंदर मॉइस्चर है। तो सीपीयू आईसी को 10 से 15 सेकंड तक हमें एसएमडी मशीन से हीट करना है, एक बार में आराम मिलेगा। अगर 5 अंक आते हैं तो पावर आईसी को हीट करना है 10 से 15 सेकंड तक।
और स्विचिंग करते ही अगर 10 अंक आते हैं डायरेक्ट, जैसे ही स्विचिंग की 10, यहाँ 10 अंक आते हैं तो पावर आईसी को चेंज करना है। अगर वो सारे टेस्टों में पावर आईसी पास है और इस टेस्ट में फेल है तो भी पावर आईसी ही ख़राब है। अगर डायरेक्ट 10 अंक आते हैं तो पावर आईसी ख़राब, और स्विचिंग करने पर डायरेक्ट 20 आते हैं, जैसे ही स्विचिंग की डायरेक्ट यहाँ 20, तो सीपीयू आईसी ख़राब है 100%। तो हमें पावर आईसी का भी पता लग गया, सीपीयू आईसी का भी पता लग गया। और अगर कोई मोबाइल सही है तो उसकी भी टेस्टिंग बता देता हूँ। कोई मोबाइल सही है और हमने कनेक्ट किया और स्विचिंग की, तो यहाँ पर 1, 2, 5, 10, 20, 30 ऐसी रीडिंग आएगी और 30 पे जाके रुक जाएगी। 1, 2, 5, 10, 20, 30 इसका मतलब पावर आईसी अपना काम कर रही है, सीपीयू अपना काम कर रहा है, फ्लैश अपना काम कर रही है और मोबाइल 100% ओके है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो देखकर पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि पावर आईसी की क्या क्या टेस्टिंग है, सीपीयू आईसी की क्या क्या टेस्टिंग है, फ्लैश आईसी की क्या क्या टेस्टिंग है। इस मशीन से हम सारा उसका चिट्ठा निकाल सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।